अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक बार फिर उदयपुर वाटी में आयोजित हुंकार रैली में बिगड़े बोल से सियासत गरमाने की संभावना है। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सीएम अशोक गहलोत को नरभक्षी तक बता दिया। उदयपुर वाटी में कुंभाराम नहर लिफ्ट परियोजना में काम अटकने को लेकर उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान की धरती पर अशोक गहलोत से बड़ा कोई निकम्मा नहीं है। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने आज उदयपुर वाटी थाने में SC ST एक्ट सहित मारपीट की धाराओं में दर्ज हुए मामले को लेकर हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। हुंकार रैली 7:32 से शुरू होकर शाकंभरी गेट तक निकाली गई। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने पत्रकारों के लाल डायरी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, आज भी कांग्रेस का MLA हूँ, मुझे बाहर क्यों नहीं निकाला गया। उन्होंने लाल डायरी के दूसरे पार्ट को लेकर कहा कि सीएम अशोक गहलोत जेल जाएंगे। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को नरभक्षी बताते हुए कहा कि इन्होंने बलराम जाखड़ को निपटाया, खेत सिंह राठौड़ को निपटाया, गुलाब सिंह शक्तावत को निपटाया, ओलाओं को निपटाया, मैं इनके काबू में नहीं आया, मैं इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकूंगा। कुंभाराम नहर लिफ्ट योजना के रुके काम को लेकर कहा कि सीएम अशोक गहलोत जानबूझकर काम को रुकवा रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर उदयपुर वाटी की जनता परेशान है। वर्षों से यहां की जनता पानी की समस्याओं को लेकर समाधान का इंतजार कर रही थी। इस मामले में सीएम अशोक गहलोत से निकम्मा इस राजस्थान की धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता। डायरी का जिक्र किया है, पार्ट टू कब आएगा लाल डायरी? देखिए पार्ट नहीं, कांग्रेस का MLA हूँ, निकाल बार क्यों नहीं निकाल रहा। शिवसेना तो आपने ज्वाइन किया, कांग्रेस पार्टी में हूँ, निकाल क्यों नहीं रहा? अभी देखना, अभी आपको पता है कि उसके अंदर अशोक गहलोत जेल में जाएगा। नरबक्सी है एक नंबर का, अशोक गहलोत इसने बलराम जाखड़ को चलता है, नटवर सिंह को चलता है, को चलता है इसने, ओड़ाओं को चलता है इसने, इसने खेत सिंह राठौड़ को चलता दिया, गुलाब सिंह सक्तावत को चलता दिया, हरदेव जोशी नवल किशोर शर्मा को चलता दिया, चंदन मल बैद को चलता दिया। मैं तो इसके काबू में आखिरी की ठोकूंगा, आखिरी की मैं ठोकूंगा इसकी आखिरी की। देखिए कुमाराम लिफ्ट का जो टेंडर हो गया, और टेंडर होने के बाद L&T कंपनी को टेंडर भी हो गया, उसके बाद में अशोक गहलोत जानबूझ के उसका काम नहीं होने दे रहे। ये जनता पानी के लिए, उदयपुर वाटी की जनता पूरी की पूरी परेशान है, बरसों से इंतजार कर रही थी। हम इस मामले के में अंदर कहते हैं, अशोक गहलोत से बड़ा निकम्मा इस राजस्थान की धरती पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता।